इंसान और बहुत सारे बाबा साहब का या यहाँ पर उपस्थित हैं, मुख्यमंत्री जी सभी आदर सम्मान के योग साथियों, आज का जो विषय है मेरे लिए तो बहुत कठिन विषय हो गया है क्योंकि मैंने संविधान पूरा पढ़ा है, लेकिन बाबा ने भगवान बुद्ध को भी मैंने भी नहीं पढ़ा, कोशिश कर रहा हूं। आज के विषय में जो चर्चा अभी सामने आई तो उसका यही जो सारांश से निकलता है, बहुत सारी बातें हमारे पुत्रकाश बहुत सामने आई, हमारे सामने रखी और उदाहरण के साथ रखी कि किस तरह से यहाँ सभ्यताएं नई नई आती गई और उनका एक ही जगह सबका समावेश होता गया और बहुत समय के बाद बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजरने के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस देश में पैदा हुए और उन्होंने बहुत संभालने के साथ ही विशेषकर दलित समाज जो यहाँ दबा कुचला समाज था, जिनके अधिकारों से उनको वंचित रखा जाता था, शोषण जिनका चरम सीमा पर था, अत्याचार उनके साथ में बढ़ रहे थे, उनके बारे में चिंतन किया और ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि बाबा साहब ने देश में नहीं बल्कि दुनिया में उदाहरण बनकर हमारे बीच में आए। आज अगर कोई शिक्षित व्यक्ति का परिपूर्ण व्यक्ति का कोई उदाहरण देता है तो बाबा साहब का नाम लेता है क्योंकि बाबा साहब इस मुकाम पर पहुंचे और इस मुकाम पर बड़ी विषम परिस्थिति में पहुंचे। आज समय इतना हमारे विकृत नहीं है जितना उस समय था जब बाबा साहब ने अपने जीवन की शुरुआत की तो हालात ज्यादा खराब थे, इतने खराब थे कि अब उनका वर्णन भी करते तो कई बार इंसान के रंग कट जाते कि हमारे साथ में इस तरह के नहीं वाक्य इस तरह का बर्ताव हमारे साथ में होता था वो सुनकर के हृदय काम होता है। आज वो बात नहीं है, अभी यहां कहा था कि भाई कैसे उदार हो इस समाज का, तो समाज का उदार तो आज मैं समझता हूं कि बाबा साहब ने अकेले में करोड़ों लोगों का चिंतन करके जो व्यवस्था भारतीय संविधान में की उसका प्रतिफल मिला हमें, खुश के हम कुछ आगे बढ़ के आए और बाबा साहब ने हमारा मार्गदर्शन भी किया, हालात कैसे बदले गए वो भी हमें बताए, लेकिन हम सही मायने में हम उनका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हम उनका सही मायने में अनुसरण करेंगे, अपने ऊपर लागू करेंगे, उनके संदेश का उस पर अमल करेंगे तो निश्चित तौर पे इस देश का जो दलित समाज है वो निश्चित तौर पर ऊपर आए। और जितना कुछ हुआ ये नहीं बाबा साहब की देन है, किसी और की देन नहीं है दोस्तों। तो मेरा तो आप लोगों से यही अनुरोध रहना है कि अगर हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है
साधन का हम अनुसरण करें तो निश्चित तौर पर समाज में बदलाव आएगा और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। बाबा साहब ने सबसे पहला ये कहा था कि शिक्षित बनो, श्रम करो और संघर्ष करो। आज दुर्भाग्य की बात तो यह है कि पहली बात तो शिक्षा का अवसर अभी भी हमें पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा कि इस देश में आज भी दोनों शिक्षा नीति चल रही है। एक जो अपर क्लास है उनके बच्चे जहां पढ़ते हैं उन स्कूलों की व्यवस्था अलग है और जहां गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं उनकी व्यवस्था कुछ अलग है। जो ऊपर जाकर के कंपटीशन को जब आते हैं बच्चे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन कंपटीशन को पास कर सकता है और कौन कंपटीशन में रह सकता है। निश्चित तौर पर अपर कास्ट के बच्चे जिन्हें जो लोग साधन संपन्न लोग हैं इस देश पर ज्यादातर अपर क्लास की है उन्हीं के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और पूरे आगे बढ़ते हैं। हमारी हालात तो आज की हमारे बहुत सारे जो हमारा तबका है बहुत सारी संख्या हमारे बच्चों की जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों में है जहां ना तो टीचर पूरे होते हैं ना उनको संख्याएं पूरी मिलती है तो कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। मेरा मानना तो ये है कि बाबा साहब के मिशन के साथ साथ इस देश से दोहरी शिक्षा नीति खत्म हो इसकी भी मांग करनी चाहिए। जब तक ये दोहरी शिक्षा नीति खत्म नहीं होगी तब तक हमारा जो समाज है वो बराबर पर नहीं आ सकता है क्योंकि सभ्यताएं और उसको सीखी स्तरीय दी जाती है वही जो नींव पड़ती है जब बच्चे की जो पांचवी छठी दसवीं का जो पढ़ता बच्चा वो इतने से उसकी नींव समझ लिया और जो नींव रखते हुए हमारे भेद रहेगा अंतर रहेगा उसमें तो आगे जाके कभी भी वो मुश्किल आगे आएंगे। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि बाबा साहब से बढ़कर विशाल हमारे सामने कुछ भी रही है सीख लेने की उनके जो सिद्धांत है उनको सही तरह से अपने जीवन में अपनाइए उन पर चलिए और बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने की बात करनी है। मैं देखता हूं कि अभी पिछले भी अपना प्रोग्राम था आपका सुंदर नगरी में बहुत बड़ी जनसंख्या वहां भी है और यहाँ भी काफी लोग रहते हैं ऐसी बात नहीं है और जहां तक प्रचारक का सवाल है प्रचार करने वालों में कोई अपनी तरफ से कोई कसर नहीं करता है एक दान सूचना ना दी जाए सबको सूचना देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो संख्या है वो नगण है। दोस्तों इसके कारण भी इसके एक कारण नहीं है ये कारण नहीं है कि हम लोग आना नहीं चाहते भाग लेना नहीं चाहते ये कारण नहीं है। इसका कारण वो भी है जब देश आजाद हुआ और आजादी के बाद जो अपर क्लास पर निचली जातियों के फर्क जो था वो उसी का अभी तक ये चल रहा उसी का असर ये है। वो क्यों है कि जो लोग साधन संपन्न है वो अपने हर तरीके से अपने कार्यक्रमों में सामाजिक कार्यक्रमों में दूसरों में धार्मिक कार्यक्रमों में वो प्रचलित हिस्सा लेते हैं क्यों लेते हैं कि उनके पास समय है और हमारे पास जो हमारे जो लोग हैं वो अधिकांश दिन निकलते के साथ ही मजदूरी कर देते हैं हमें मजदूरी कहाँ से मिलेगी कहाँ जाना काम करने के लिए कहाँ से बच्चे शाम को तक रोटी खाएंगे उनकी व्यवस्था कैसे करनी है। तो कारण ये भी है कि हमारे जो लोग हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और अपने जीवन यात्रा जीवन को चलाने में लगे हुए हैं उन्हें धार्मिक कार्यों की या सामाजिक कार्यों की भी फुर्सत उनके पास में ज्यादा नहीं है क्योंकि जिनके पास समय है वही है। हमारे लोगों के पास समय है नहीं वो मजदूरी में जाते हैं सुबह सुबह फैला खाते हैं जाकर भी बहुत सारे तो वही काम कर रहे पिछला जो हमारा काम था जूता काटने का या सफाई करने का या और काम जो थे उसी में लगे हुए बहुत सारे आज भी मैं देखता हूँ कि कोई ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं आया। तो ये जो व्यवस्था है मेरे मन में तो ये खूब डिस्कस मैंने सोच समझ करके ऐसा मैंने निकाला है कि इस देश में जब तक
शिक्षा जो है उसका एकीकरण नहीं होगा, एकीकरण की शिक्षा जब तक नहीं होगी तब तक ये फर्क जो है वो हमेशा बना रहेगा और हम लोग इसी तरह से दबे रहेंगे। ये अलग बात है कि हमारे कुछ लोग बहुत परिश्रम करके मेहनत करके अच्छे उद्योग पर पहुंचे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन इतनी सुगमता सहजता आसानी से दूसरे लोगों को चीजें सब प्राप्त हो जाती है उतने हमारे समाज को नहीं हो पाती। हमारे समाज के बच्चे कई बार तो कोशिश करते करते मेरे को अपनी बात याद है, आप सिद्धार्थ के घर में गाँव में आप जरूर नहीं बोलता, कई बच्चे ऐसे थे हमारे गाँव के जो उन्हें पहले से जो है सिखाई जा रही थी, और हम जब गए छठी में तो हमें ए बी सी डी जब हमारे सामने आई, जब ए बी सी डी सामने आई क्या जब छठी क्लास में जब जाते हैं तो छठी के सिलेबस से दूसरे लोग बराबर कैसे करेगा, वो जब हमें ए बी सी डी का ही नहीं पता तो हम क्या पढ़ेगा। मैं तो स्कूल छोड़ गए थे पास करने के बाद दोबारा करके पढ़ा मुश्किल हालत में, तो ये हालत ये है कि हमारे जो 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 फर्क है ना ये फर्क हमें बर्बादी तरफ ले जा रहा है। इसकी वजह से हमें हमारे खाना चाहिए कि हम इस देश में दोहरी शिक्षा नीति समाप्त हो, तभी जाकर के हमारा ये उद्धार हो सकता है। मैं ज्यादा ना कहते हुए क्योंकि बहुत बड़ा ज्ञान मेरे पास में है नहीं, मैं तो जब भी इसी प्रोग्राम में जाता हूँ मैं सोचता हूँ कोई ना कोई एक बात प्रलेप हो जाएगी तो अगली बार मीटिंग में मैं बोल दूंगा किसी को सुनकर के यहाँ से मैं इस उद्देश्य से जाता हूँ क्योंकि भाई पढ़ाई लिखा तो ज्यादा हो ही नहीं टाइम पर, अगर हम अच्छे लोगों में बैठ के सीख भी जाए सीख करके और भी उसका दृष्टांत दें उसका आराम दें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कोई कुछ होगा बोलते फर्क पड़ेगा पास से। तो मैं तो सुनने के लिए आता हूँ, मैं सीखने के लिए आता हूँ, मैं भाषण देने कम आता हूँ यहाँ पर, तो मैं ज्यादा ना कहते आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ आयुष बाबा कि मुझे उन्होंने यहाँ तो उनका समय